नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। चुनावी मौसम में अखबार से लेकर टीवी और होर्डिंग्स तक अलग अलग पार्टियां और प्रत्याशियों के विज्ञापनों की भरमार रहती है। राजनीतिक पार्टियों की रैली और विज्ञापनों पर खर्च करने के लिए व्यक्ति, कॉरपोरेट और संस्थानों से फंडिंग मिलती है। आरटीआई के तहत मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता कि भारतीय स्टेट बैंक के आंकड़ों से पता चल गया कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड का लगभग 90% हिस्सा सिर्फ 5 शहरों मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नई दिल्ली और चेन्नई में बचाया गया है। यानी देश की सबसे ज्यादा पॉलिटिकल फंडिंग इन्हीं 5 शहरों से हुई है, जबकि इलेक्ट्रोल बॉन्ड की कुल बिक्री का सिर्फ 2% हिस्सा कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में बेचा गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 4 मई को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार साल 2018 में इलेक्ट्रोल बॉन्ड योजना की शुरुआत के बाद से देश में लगभग 12,979.10 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड बेचे गए। पिछले महीने यानी अप्रैल 2023 में हुई बिक्री की सबसे हालिया 26वीं किश्त राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी बॉन्ड में लगभग 12,955.26 करोड़ रुपए भुनाए गए थे। एक्सप्रेस द्वारा की गई तमाम आरटीआई आवेदन के जवाब में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि 25 राजनीतिक दलों ने इस इलेक्ट्रोल बॉन्ड योजना के तहत इन बॉन्डों को भुनाने के लिए बैंक खाते खोले हैं। एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार अब तक बेचे गए कुल चुनावी बॉन्ड का 26.16% हिस्सा मुंबई में है। वहीं आपको बता दें कि 2,704.62 करोड़ रुपए यानी 20.84% हिस्सा कोलकाता में है। हैदराबाद में चुनावी बॉन्ड का 18.64% हिस्सा है, यानी कुल लगाकर 2,418.81 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रोल बॉन्ड बेचे गए हैं। नई दिल्ली में 1,886 करोड़ रुपए लगभग ये हो जाएगा 14.23% और चेन्नई में 1,295.20 करोड़ रुपए यानी कि 9.66% के इलेक्ट्रोल बॉन्ड बेचे गए। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु 267.90 करोड़ रुपए यानी 2.06% की बिक्री के साथ 7वें स्थान पर थी। इलेक्ट्रोल बॉन्ड की बिक्री के आंकड़ों से साफ पता चल रहा है कि देश के अलग अलग पार्टियों का पैसा मुख्य रूप से 5 बड़े शहरों से बेचा गया है। एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार अब तक भुनाए गए बॉन्ड की कुल राशि में से 64.55% यानी कि 8,362.84 करोड़ रुपए यानी दिल्ली में भुनाए गए, जहां राष्ट्रीय दलों के खाते होने की संभावना है। दिल्ली के बाद दूसरे स्थान है हैदराबाद। यहां पर 12.37 यानी कि लगभग 1,602.19 करोड़ रुपए भुनाए गए हैं। वहीं कोलकाता में 10.01% लगभग ये हो जाएगा 1,200 करोड़ रुपए यहाँ के तीसरे स्थान पर पहुंच गए। और चौथे नंबर पर है भुवनेश्वर, यहाँ पर 5.96% जो है लगभग 781.50 करोड़ रुपए इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर भुनाए गए। और चेन्नई में 5.11% यानी कि 662.55 करोड़ रुपए भुना गए। आपको बता दें कि मुंबई में इलेक्ट्रोल बॉन्ड की कुल बिक्री का 26% से ज्यादा हिस्सा था, लेकिन सभी चुनावी बॉन्डों का केवल 1.51% ही भुनाया गया। चुनावी बॉन्ड की पेशकश साल 2017 में फाइनेंशियल बिल के साथ की गई थी। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में साल 2018 के 29 जनवरी को चुनावी बॉन्ड स्कीम 2018 को अधिसूचित किया गया था। वहीं आलोचकों का कहना है कि ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड योजना से सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को पहुंचने वाला है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। एडीआर का तर्क था कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड योजना से कॉरपोरेट और उद्योग जगत को जमकर फायदा हो रहा है
और ऐसे में बॉन्ड से मिले चंदे का 95% हिस्सा बीजेपी को मिलता है। इस बात को चुनाव आयोग ने भी स्वीकार किया था और चुनावी बॉन्ड से साल 2017-18 में सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को ही चंदा मिला है। बीजेपी को जहां 210 करोड़ रुपए का चंदा मिला, वहीं बाकी सारे दल मिलकर भी इस बॉन्ड से सिर्फ 11 करोड़ रुपए का चंदा हासिल कर पाए थे। तो आप समझ सकते हैं, ऐसे में तो सवाल खड़े होते हैं कि ये पार्टियां खर्चा कैसे करती हैं, चुनाव में खर्चा कैसे होता है, ऐसे होता है। तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।